Hello students, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to learn about the bacterial genetics. In that specifically, we are going to learn about transformation. Okay, we have learned about conjugation earlier video. In today's video, we are going to learn about transformation. So let's get started with the video, guys. Agar hum transformation ki baat kare, to transformation kya hota hai? Transformation is a process. जिसमें हम क्या करते हैं, एक किसी भी बैक्टीरियल सेल में, इन एनी बैक्टीरियल सेल, हम उसमें एक डोनर का डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि किसी भी फॉरेन डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी और बैक्टीरियल सेल से लेते हैं और इस बैक्टीरिया में हम उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोड्यूस भी कैसे होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है वो खुद टेकअप करेगा इस डीएनए को. व्हाट इट विल डू, इट विल इटसेल्फ टेक अप द डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द पेट्री प्लेट. तो इसमें क्या होगा, हम एक डोनर लेंगे, विल टेक अ डोनर. उसके पास क्या होगा, उसका खुद का क्रोमोजोम होगा, जो कि क्रोमोजोम कैसा होगा, सर्कुलर क्रोमोजोम होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोजोम हमें पता है. इस डोनर के क्रोमोजोम को हम लेंगे, इसको हम प्यूरीफाई करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्यूरीफाई करेंगे एंड देन उसको हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे. उस क्रोमोसोम के हम क्या बनाएंगे, डीएनए फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ये रेसिपिएंट नहीं ले पाएगा. जो ले रहा है क्रोमोसोम्स को, उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए को, उसको हम बोलेंगे रेसिपिएंट. एंड जिसके क्रोमोसोम्स हम लेकर दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर. डोनर यानी कि जो डोनेट करेगा, रेसिपिएंट यानी कि जो रिसीव करेगा. तो इससे हमने क्या लिया, इससे हमने इसका क्रोमोसोम लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उसको प्यूरीफाई किया और उसके फ्रेगमेंट्स बनाए, उसको कट डाउन करके हमने उसके फ्रेगमेंट्स बनाए. अब दीज फ्रेगमेंट्स विल बी टेकन अप बाय दीज रेसिपिएंट. ये जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो टेकअप करेगा कौन, ये रेसिपिएंट. ये सब प्रोसेस जो है हम क्यों करते हैं, ये सब प्रोसेस, व्हाई वी डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वी डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस टू नो What is the gene mapping? ये जो recipient bacteria है उसमें gene mapping क्या है, उसका जो ये पूरा chromosome है उसमें जो genes है वो कैसे arrange है, इधर कौन सा gene 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 है. तो ये पूरा जानने के लिए कि उसका genetic map कैसा है, हम ये process करते हैं transformation, right? अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, इसमें व्हेन द बैक्टीरियल सेल विल टेक अप द डीएनए, ये ऐसे खुद भी ले सकता है या फिर हमें इस एक्टिविटी को एनहेंस करवाना पड़ेगा. हमें जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेसिपिएंट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ज़्यादा परमीएबल बनाना पड़ेगा ताकि ये जो फॉरेन डीएनए है उसको आराम से अपने सेल में ले सके. ठीक है, सो व्हाट विल डू, ये जो इसका बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम होगा, इस क्रोमोसोम को विल ट्रीट विथ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, इससे ट्रीट करेंगे इसको. So now what happened when we treated it with electric field or electric current के साथ, जब हमने इसको treat किया तो electroporation की वजह से इसकी plasma membranes में बन जाएंगे pore. किसकी plasma membrane, के recipient की plasma membrane में pores form हो जाएंगे. And when there are pores in the plasma membrane will obviously allow things to pass on. तो इसकी वजह से ये जो फॉरेन डीएनए है ये आराम से इसके अंदर पास हो जाएगा. क्यों, क्योंकि लिए इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें अब हो चुके हैं पोर्स. ओके, सो द सेल्स जिसमें हम एनहेंस कर रहे हैं ताकि वो किसी भी फॉरेन डीएनए को ले सके, उस सेल को हम क्या कहते हैं, उस सेल को हम कहेंगे कॉम्पिटेंट सेल. दैट सेल इज नोन एज कॉम्पिटेंट सेल. Which one is the competent cell, recipient or donor? The recipient cell who is treated with electric field so that it can take up the DNAs very easily, the foreign DNA very easily. ठीक है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत रेयरली होता है. मतलब इफ वी आर ट्रीटिंग 10^3 बैक्टीरियाज को अगर हम ट्रीट करें तो उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा बैक्टीरिया होगा जो ये फॉरेन डीएनए को टेकअप करेगा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है बहुत रेयर है, क्योंकि बैक्टीरिया को टेकअप करना है.
So that is a very, very, very rare process. So what is transformation? Transformation is the transfer of a foreign DNA into a recipient cell from the environment या फिर from the extracellular. क्यों extracellular? क्योंकि हमने इसमें cell, इसमें ना conjugation नहीं हुआ है कि दो cell मिले और उन्होंने क्या किया, transfer किया. इसमें cell का use था, लेकिन यहाँ पे cell का तो use हो नहीं रहा. यहाँ पे environment में था या फिर extracellular ये fragment पड़ा था और जिसको किसने किया, take up कर लिया इस recipient cell ने. So transformation is the taking up of a DNA fragment by a recipient cell extracellularly or from the environment. Okay, so now why we have done this transformation? We have done this transformation for gene mapping. But सबसे पहले हम देख लेते हैं कि transformation होता कैसे है. For example, यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ recipient bacteria. जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास खुद का क्रोमोसोम प्रेजेंट है. क्रोमोसोम कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया में. तो ये क्या है, ये है एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया. जनरली इट विल बी इकोलाई और इट विल बी बेसिलस. इसमें हम कोई भी एक अलील को कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ ए अलील को. ये जो ए अलील है ये है म्यूटेटेड. ये जो ए हलील है वो है म्यूटेटेड, जो कि किस में प्रेजेंट है, रेसिपिएंट में प्रेजेंट है. इसकी जो वाइल्ड टाइप है उसको हम कंसीडर करेंगे ए प्लस. ए प्लस विल बी वाइल्ड टाइप दैट इज प्रेजेंट इन द डोनर, दैट इज प्रेजेंट इन द डोनर. तो हमने क्या किया, हमने डोनर से ले लिया है ये एक फ्रेगमेंट. इसको पूरा ट्रीट वगैरह करके वी हैव टेकन दिस ए प्लस फ्रेगमेंट. Now what we'll do, we'll transfer this or we'll allow the bacteria to take up this foreign DNA. तो या तो हम electroporation करेंगे या फिर ये खुद ले लेगा. When this process is going on, जब ये double stranded fragment इसमें जाएगा तो इन दोनों में से कोई एक fragment degrade हो जाएगा. सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट जो है वो पास ऑन होगा इस रेसिपिएंट बैक्टीरिया में. जो दूसरा फ्रेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. So now what will be the condition? Now this is the recipient bacteria. It has its own double chromosome. One chromosome with double stranded. Isme aa gaya ek, this and one is degraded. This one is degraded. Now ab ye jo foreign DNA hai ya fir ye jo dusre bacteria ka DNA hai, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो सकती है. क्योंकि ले व्हाट विल हैपन, दिस विल बी होमोलॉगस टू दिस. ये दोनों क्या है, ये दोनों होमोलॉगस होंगे. होमोलॉगस होने की वजह से क्या होगी, पेयरिंग होगी. हमें पता है होमोलॉगस पेयर्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है. और पेयरिंग होने के बाद उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, दीस थ्री, वन टू थ्री विल पेयर अप. So when these will pair up, it is a pairing up of three strands, not of four strands. Generally कितने strands की pairing होती है, four strands की. लेकिन दो की क्या हो, एक की क्या हो चुका है, एक हो चुका है degradation. तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन homologous, तीन जो strands है उनका क्या हो गया, pairing up हो गया. So in this step what happened, homologous chromosome paired up, इन दोनों की हो गई pairing. Now what will happen after pairing, we know that what is the step, that is crossing over. इनमें क्या होगा, crossing over होगा और कुछ part जो है वो transfer होगा इन दोनों में से. So now there will, what will occur, there will be a double cross over. जब भी पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती ही क्यों है, ताकि जो कुछ जीन्स का पार्ट है वो क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके. तो इन दोनों में क्या होगा, अब एक डबल क्रॉसओवर होगा. तो ऐसे ये प्रेजेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज ए, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है ए प्लस. तो इन दोनों में क्या होगा, डबल क्रॉसओवर. तो यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक एक. सो वंस अगेन हमारा ट्रेन वाला फंडा फिर से आ जाएगा. यहां से ट्रेन चली, यहां पे गई, यहां तक पहुंची और यहां से वापस आ गई. तो अब इस वाले जो फॉरेन स्ट्रैंड है इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, इसके पास एक ऐसा, देन यहां पे इसका पार्ट आ गया ए का, और फिर ये वापस ऐसा हो गया.
ठीक है, तो इस वाले के पास थोड़ा सा इस वाला जो रेसिपिएंट सेल का क्रोमोसोम है वो आ गया। वही जो रेसिपिएंट क्रोमोसोम होगा उसका इनर स्ट्रैंड तो वैसा का वैसा होगा, लेकिन आउटर स्ट्रैंड में क्या आ जाएगा, आउटर स्ट्रैंड में आ जाएगा नाओ ए प्लस। आउटर स्ट्रैंड में क्या आ गया, ए प्लस, क्योंकि लिए देखो यहां से ट्रेन चलेगी, यहां से ट्रेन चली ए प्लस वाले एलील को ले लिया और फिर वापस आके यहां से कंबाइन हो गई। सो नाउ व्हाट हैपेंड, दिस बैक्टीरिया कंटेन्स वन स्ट्रैंड ऑफ इट्स ओन एंड वन स्ट्रैंड कंटेनिंग सम पार्ट ऑफ द डोनर बैक्टीरियाज क्रोमोसोम। सो नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस सेल विल गो रेप्लीकेशन, इनमें क्या होगा, रेप्लीकेशन होगा एंड डिवीजन हो जाएगा, राइट। नाउ दिस बैक्टीरियल सेल के जो क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, वो रेप्लीकेशन करेंगे और रेप्लीकेशन करने के बाद उनका डिवीजन हो जाएगा। तो इनसे बनेंगे दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया एंड टू बैक्टीरिया, इनसे क्या बनेंगे, दो बैक्टीरिया बनेंगे। तो एक के पास समझो गया ये वाला स्ट्रैंड और एक के पास गया ये वाला स्ट्रैंड, तो जिसके पास अंदर वाला स्ट्रैंड गया वो तो रहेगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो कैसा रहेगा, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रहेगा, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन जिसके पास आउटर स्ट्रैंड गया उसमें क्या आ गया, उसमें डोनर वाले का जीन आ गया, उसमें आ गया डोनर वाले का अलील। तो इसमें से दो टाइप के बैक्टीरियाज बनेंगे, एक जो कि कैसा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और एक कैसा है जो कि हो चुका है ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब ये जो पूरा प्रोसेस है हमें समझ तो आ गया, ठीक है ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ हमें सब समझ में आ गया, लेकिन मैम ये हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, ये हमें कैसे जीन मैपिंग में हेल्प करेगा, हम वो देखते हैं। हम ये जीन मैपिंग में क्या, जीन मैपिंग क्या होती है, जीन मैपिंग बेसिकली ये होती है कि हमें फाइंड आउट करना है कि एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम में अरेंजमेंट ऑफ जीन्स कैसे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमने फिर से लिया एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, समझो मैंने ले लिया ए बी सी जीन्स प्रेजेंट है। नाउ इस ए बी सी का मुझे नहीं पता है कि अरेंजमेंट कैसा है, सो वॉट आई डिड, आई टेक अ डोनर बैक्टीरिया जीन, उसमें भी मैंने लिए ए प्लस बी प्लस, ये तीनों कैसे वाइल्ड टाइप और ये तीनों कैसे म्यूटेंट। अगर समझो बी प्लस और सी प्लस साथ में गए, बी प्लस और सी प्लस जो रिकॉम्बिनेशन के बाद इसमें साथ में चले गए, तो मुझे पता चल जाएगा ये दोनों कैसे प्रेजेंट है, ये दोनों टुगेदर प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों बहुत पास प्रेजेंट है। वहीं जब मैंने A प्लस और C प्लस को देखा तो ये दोनों साथ में नहीं गए, ये दोनों साथ में नहीं गए, ये दोनों अलग अलग गए, दे डिडंट गो टुगेदर, उन वो साथ में उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, साथ में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों दूर दूर प्रेजेंट होंगे थोड़े। फिर मैंने देखा A प्लस और B प्लस को, ए प्लस बी प्लस भी साथ में गए, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी पास पास प्रेजेंट होंगे। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि जीन ऑर्डर क्या है ए बी सी, मुझे पता नहीं था लेकिन ये देख के मुझे पता चल गया कौन से दो साथ में गए, उसको देख के मैं पता लगा सकती हूँ कि जीन ऑर्डर क्या है, कि जो मैप है जीन का वो कैसा है, ठीक है, क्लियर है बात। इसको यूज करके, ऐसे प्रोसेस को यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं जीन मैपिंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चन देखें मोर क्लैरिटी के लिए, समझो मैंने एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज अ सीएसआईआर नेट 2013 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, डीएनए फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विथ जीनोटाइप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव डी पॉजिटिव ई पॉजिटिव, यानी कि ये वाला कैसा था, वाइल्ड टाइप था, वाइल्ड टाइप कौन सा है, वाइल्ड टाइप है डोनर वाला, ठीक है, was isolated and to transform a strain of bacteria, अब ये recipient क्या है, recipient negative है, यानी कि recipient mutated है, the transformed cells were tested for the presence of donated genes, कि कौन से donated genes हुए हैं उसका हमने test किया, तो हमें क्या मिला कि co-transformed, ये जो यहाँ पे है इसको हम बोल सकते हैं ना कि co-transformed है, these all are co-transformed, को ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब साथ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, साथ में जो है रेसिपिएंट सेल उनको उठा रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, टेकअप कर रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ को ट्रांसफॉर्म्ड, को ट्रांसफॉर्म मतलब टू और मोर एलील्स आर गोइंग टुगेदर।
सो क्या हुआ, इनका को ट्रांसफॉर्म्ड हुए तो हमें ये वाली कंडीशन मिली है कि ए जा रहा है डी के साथ, बी ई के साथ, सी डी के साथ और सी ई के साथ। तो मैं इससे अगर मैं पता लगाने की कोशिश करूं तो मुझे यहां से पता लग गया कि ए किसके साथ जाएगा, ए जा रहा है डी के साथ। वही डी किसके साथ जा रहा है, डी जा रहा है सी के साथ। वही सी किसके साथ जा रहा है, सी जा रहा है ई के साथ। और ई किसके साथ जा रहा है, ई जा रहा है बी के साथ। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, इससे मुझे पता चल गया ओके ओके तो ये है जीन मैपिंग। अच्छा बस इतना इजी था, इधर से मुझे पता चल गया कि जीन मैप क्या है, कि बैक्टीरिया में जो जीन्स है वो कैसे प्रेजेंट है। यस, सो यहां से मेरे को क्या मिल गया, ए डी सी ई बी, ए डी सी बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो सिंपल क्वेश्चन एंड 4 marks आर ऑल योर्स। इतना इजी है ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल जेनेटिक्स जो जेनेटिक्स का बहुत इजी पार्ट है उसके क्वेश्चंस में आंसर्स प्रेजेंट होते हैं। सो फ्रॉम दिस यू केम टू नो दैट ए डी सी ई बी इज द आंसर, दिस विल बी द व्हाट वी कैन से दिस इज द जीन मैपिंग। सो इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कौन से जीन साथ में जा रहे हैं और उनके बेसिस पे आपको एक जीन मैप क्रिएट करना है। Once again, what is transformation? Transformation is the taking up of a foreign DNA or of a another bacteria's DNA by a recipient. और हम उसको enhance भी कर सकते हैं. So this was all about the transformation. So I hope this video is very helpful to you guys. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much, guys. Bye bye.